एक बहुत ही जरूरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी होगी इंश्योरेंस खरीदने के टाइम पे, वो होगी कि आप कौन सा इंश्योरेंस ले रहे हो। हेलो एंड नमस्ते, मैं हूँ मनीष आहुजा और ये है पेचेक टू प्रॉफिट इंडिया का पहला यूट्यूब चैनल जो आपके साथ बात करता है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ बात की थी एक लिस्ट के बारे में जो आपको बताता है कि आपके फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को कैसे प्लान किया जाए, किस चीज़ का पहले ध्यान दिया जाए, किसका बाद में, और कैसे अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को खुद अपने हाथों से आप प्लान कर सकते हैं। मैंने उसी वीडियो में आपके साथ रिक्वेस्ट किया था कि अगर आप अपने फैमिली के अर्निंग मेंबर हैं तो आप अपने लिए तो लाइफ इंश्योरेंस लीजिए ही, और अपने फैमिली के हर सदस्य के लिए जो भी एलिजिबल हो उनके लिए मेडिकल इंश्योरेंस लेना ना भूलें। लेकिन क्या आपने कभी मेडिकल इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस लिया है? क्या आपको पता है इंश्योरेंस होता भी क्या है और ये कैसे काम करता है? और अगर आपने कभी इंश्योरेंस लिया है तो क्या आपने सही तरह का इंश्योरेंस लिया है? इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा, और अगर आपके कोई सवाल रह जाते हैं जिनका मैं जवाब ना दे पाता हूं तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा। हम इस चैनल पर वीडियो बनाते हैं 4th, 14th, and 24th तारीख को, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वो घंटी का आइकन बजाना ज़रूर याद रखिएगा ताकि हम जब भी नए वीडियोस बनाएं तब आपको आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ सके। तो ये इंश्योरेंस होता क्या है, ये क्यों इतनी इंश्योरेंस कंपनियाँ इतनी ऐड कर आपको बोलते हैं कि आप उनसे इंश्योरेंस खरीदिए? इंश्योरेंस लेना एक शर्त लगाने के बराबर है। ये शर्त लगाने के लिए आप जो अमाउंट भरते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, उसे इंश्योरेंस प्रीमियम कहा जाता है। मैं चाहूँगा कि आप ये शर्त हर बार लगाएं और आप ये शर्त हर बार हारें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब एक कस्टमर इंश्योरेंस खरीदता है तो उसका आर्थिक मुनाफा उसे अपने जीवन में एक दुर्घटना होने के बाद ही मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस में कस्टमर की फैमिली को फायदा तब होता है जब कस्टमर की मृत्यु हो जाती है। उसी तरह मेडिकल इंश्योरेंस में कस्टमर को फायदा हॉस्पिटलाइजेशन के बाद होता है। तो अगर आप इंश्योरेंस खरीद रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आपको सुकून हो कि आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है, और अगर कोई दुर्घटना हो तो उससे फेस करने के लिए आपके पास कोई प्लान बी है, लेकिन आपको ये दुर्घटना कभी झेलनी ही ना पड़े। मैं इंश्योरेंस लेने के लिए आपको रिक्वेस्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि आप इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत छोटा भरते हो, लेकिन उसके बदले में आपको जो सम अश्योर्ड मिलता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, वो बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। एग्जाम्पल के लिए मेडिकल इंश्योरेंस के लिए आप प्रीमियम भरेंगे, समझ लीजिए 5,000 से 6,000 रुपया, डिपेंड करता है आपके एज के ऊपर, आपके जेंडर के ऊपर, आप किस शहर में रहते हैं, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपका जॉब क्या है, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए समझ लीजिए आप 5,000 से 6,000 रुपये का प्रीमियम भरते हो तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस का सम अश्योर्ड मिल सकता है 5 या 6 लाख तक। उसी तरह 5 या 6 हज़ार का इंश्योरेंस प्रीमियम भरने से आपको 50 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस मिल सकता है। आप छोटा सा अमाउंट भर रहे हो लेकिन आपको जो सम अश्योर्ड मिल रहा है उसका जो फायदा है वो बहुत बड़ा है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंश्योरेंस कंपनी इतना छोटा सा प्रीमियम अमाउंट लेकर आपको इतना बड़ा इंश्योरेंस अमाउंट कैसे दे पाती है? क्या इंश्योरेंस कंपनी नुकसान में काम करेगी? हो ही नहीं सकता। इंश्योरेंस एज अ कॉन्सेप्ट काम करता है प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे। प्रोबेबिलिटी सिंपल भाषा में समझाऊं तो 2 या 3 लोगों को इंश्योरेंस वसूल करना होगा पूरे साल में, लेकिन उनका पैसा भरते हैं बाकी के 98 लोग। इसे और सरल भाषा में समझाऊं तो प्रोबेबिलिटी आपने 10th या 12th में पढ़ा होगा, और इंश्योरेंस कंपनीज में एक्चुरीज नाम के प्रोफेशनल्स काम करते हैं जिनका काम ही ये होता है कि वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी को डिज़ाइन कर सके। वो देखते हैं कि पॉपुलेशन का साइज़ क्या है, इकोनॉमिक के फैक्टर्स कैसे काम कर रहे हैं, कितने लोग ये पॉलिसी ले पाएंगे, उसमें से कितने लोग शायद हॉस्पिटलाइज्ड होंगे जिनको इंश्योरेंस कंपनी से वो क्लेम करेंगे। उस हिसाब से ये एक्चुअरीज ये इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम और रेट्स फाइनल करती है। तो अगर आपको मैं एक एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश करूं तो समझ लीजिए अगर 100 लोगों ने 1 रुपए का इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदा 1 साल के लिए, तो 1 साल के लिए इंश्योरेंस कंपनी का रेवेन्यू हुआ 100 रुपए। उसमें से एक्चुअरीज को पता है कि
30 या 40 या 50 रुपए इंश्योरेंस कंपनी को ये पॉलिसी होल्डर्स को देना होगा. समझ लीजिए अगर ये मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है तो हॉस्पिटल के बिल्स के द्वारा. जो बाकी बचे 50 रुपए उसमें से समझ लीजिए 10 से 15 रुपए इंश्योरेंस कंपनी के लग जाते हैं रेंट में, सैलरीज में, एडमिन के खर्चों में. तो जो बाकी के 35 रुपए बचते हैं कंपनी के पास वो होता है कंपनी का मुनाफा या प्रॉफिट. ये अगर करोड़ों लोगों के साथ हो, करोड़ों रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ हो, तो अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है और उस हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी पैसे कमा लेती है. एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी होगी इंश्योरेंस खरीदने के टाइम पे वो होगी कि आप कौन सा इंश्योरेंस ले रहे हो, किस तरह का इंश्योरेंस ले रहे हो और जो आपकी पॉलिसी है वो आपके लिए बेस्ट पॉलिसी है या नहीं. ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज की तारीख में इंश्योरेंस कंपनीज़ ने अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत अलग टाइप की पॉलिसीज़ भी इंट्रोड्यूस कर ली है. ये पॉलिसीज़ पेपर पे तो अच्छी दिखती होंगी लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको अच्छी लगे पेपर पे वो वाकई में आपके लिए फ़ायदे वाली हो. कंपनीज़ ने इंश्योरेंस के साथ इन्वेस्टमेंट, किसी तरीके का पे बैक, किसी तरीके का मैच्योरिटी स्कीम, बोनस स्कीम, पता नहीं क्या क्या मिक्स करके कोई नए नए प्रोडक्ट्स बना दिए. मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट्स गलत हैं, मैं कह रहा हूँ हो सकता है आपको इन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत ना हो. तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप समझ लीजिए एक तरीके का इंश्योरेंस पॉलिसी होता है जो हर बार आपके काम आ सकता है और वो है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी. अंग्रेजी में टर्म मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड. तो अगर आप टर्म पॉलिसी खरीद रहे हो तो आप जो इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हो वो एक टाइम पीरियड के लिए आपको इंश्योर कर देता है. अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें जो आपको मदद करेगा ये समझने के लिए कि कौन सी पॉलिसी आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन हो. वैसे तो आने वाले समय में मैं इंश्योरेंस के ऊपर और वीडियोस बनाऊंगा क्योंकि किस तरह से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें, कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदिए, क्या चीज़ का ध्यान दीजिए, कौन से अलग टाइप के इंश्योरेंस और बचते हैं जैसे ट्रैवल इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस जैसे कार या स्कूटर का इंश्योरेंस है, जो बाइक इंश्योरेंस है जो कंपलसरी है और आपको लेना ही पड़ता है. इंश्योरेंस में भी बहुत कुछ है अभी कवर करने के लिए लेकिन अगर आप ये टर्म इंश्योरेंस वाली बात भी याद रखें तो आपका बहुत फ़ायदा होगा. उसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सवाल हो मेरे लिए तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे सवाल पूछिए या मुझे और दूसरे सोशल मीडियाज़ पे जैसे ट्विटर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा. तो बस आज के लिए इतना ही. इजाज़त दीजिए, अब आपसे मुलाकात होगी आने वाले अगले वीडियो में. तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए और खुश रहिए. कचिंग.